ये हमारे साथ नहीं है, ये होटल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे नए व्लॉग पे। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, मुझे थोड़ा सा काम है और उनकी अम्मा भी आई थी मिल लेती सारी सब्जी लेके, तो अम्मा को भी मार्केट में मिलने जाना है मेरे को एक बार, क्योंकि वो हॉस्पिटल गए हैं। तो अभी चलते हैं पहले मम्मी के पास, उसके बाद हम चलते हैं मार्केट को। तो आज आप लोग को यहाँ की मार्केट दिखाएंगे हम लोग। तो फिर से पहुँच गए हम बैंक में, ये देखो मेरी मम्मी। चलो चलो चलो, हमारी मम्मी हमें फिर से बैंक से बाहर छोड़ने आ गई। मम्मी हमें गाड़ी तक छोड़ने आती है। ये देखो मम्मी, हेलो बोलो। हेलो हेलो एवरीवन, ऐसा बोलो। तो अभी हम लोग को जाना है बैंक, और सॉरी हमें जाना है मार्केट। और हमें जब भी मार्केट जाना होता है मम्मी हमें कुछ ना कुछ काम पकड़वा देती है, और रुपए भी देती है बोल खाने के लिए। और मम्मी मुझे रुपए देती है, खूब सारे पैसे देती है। खूब सारे नहीं, खाने के लिए। खाने के लिए पैसे देती है क्योंकि मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, तो मुझे मार्केट जाके कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, जरूरी हो जाता है मेरे लिए खाना। तो मम्मी कहती है ले, और मम्मी जो मुझे पैसे देती है मैं घर पे छुपा देती हूँ अपने गुल्लक पे, मैंने बना रखा है एक बढ़िया सा। और मैं मम्मी से बैंक से दोबारा लेने आती हूँ पैसे। और इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? तो चलो हमें गाड़ी मिल गई, हम चलते हैं। बैठ चुके हैं लोकल जीप में, और यहाँ पे देखो ना छोटू सा बेबी, बोलो क्या बोल रहे हो आप। तो मार्केट पहुंच गए हम लोग, अभी बैंक में जाना है हम लोग को। पहले एक कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं बैंक में, उसके बाद मैं आप लोग को आज थोड़ी सी मार्केट के दर्शन करा दूंगी, यहाँ सिमल गैर सिलथाम वगैरह वगैरह। तो पहले हम दे देते हैं एक बार बैंक में डाक, ये रहा बैंक। तो ये है सिमल गैर की मार्केट, और मुझे दो तीन लोग मिल गए हैं जो बोल रहे थे कि हम आपको पहचानते, आपके ब्लॉग देखते हैं। तो बहुत ये देख सकते हो, डाक लेके आ गई हूँ। तो बड़ा अच्छा वाला फील हो रहा है, क्योंकि अभी मुझे बैंक के जस्ट बाहर पे दो लड़कियां मिली थी कॉलेज से आ रही, वो बोल रहे थी हम आपको जानते हैं। तो मैंने कहा वाह, लोग मुझे जान रहे हैं, सो मज़ा आ रहा है। तो अभी चलते हैं मोमो खाने। तो हम लोग आ चुके हैं मोमो मेनिया में, और यहाँ पे हम चलेंगे अंदर को। हमारे मन निकालना। निकालती हूँ, भैया बोल रहे हमारा नहीं निकालना। मैं आ गई हूँ मोमो मेनिया में, यहाँ पे मोमो बनते हैं और नूडल्स वगैरह सारा कुछ बनता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे कैसा है बैठने को। हम लोग खा रहे हैं मोमो और चाउमीन। ये देखो ये है मोमो मेनिया। अभी मैं मार्केट में अकेले घूम रही हूँ, अभी ऐसा हो गया। तो मैं पूरा मार्केट अकेले घूम चुकी हूँ, क्योंकि मेरी बहन आई थी वो घर चली गई है, और अभी मेरे को सोना लेने आने वाली है। तो मैं पूरे मार्केट में अकेले घूम रही थी, तो अभी मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे सौ में थोड़ा दिक्कत है, कोई कॉमेंट भी कर रहा था सौ। तो अकेले घूमना बहुत ही बोरिंग है, और यहाँ तो अभी मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। देखो सोना आ गई है, पिछले वाले एक व्लॉग में सोना को दिखाया था मैंने, और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे सोना के बारे में ही, सोना को दिखाओ। तो ये देखो सोना मेरे को लेने आ गई। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा घूमने, क्योंकि मैं थोड़ा हो चुकी हूँ बोर। तो चलते हैं, हम लोग आ चुके हैं चंडाक में। ये देखिए कितना प्यारा सा झरना निकल रहा है यहाँ पे से, और यहाँ पे लोग फोटोशूट वगैरह कर रहे हैं। ये हमारी प्यारी सी क्यूट सी सेजल, जो आप लोग को बहुत पसंद आ रही थी। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा झरना है, आपको नज़दीक से दिखाते हैं। चलो ये देखिए कितना खूबसूरत सा झरना है। अभी ये सिर्फ बरसात में निकलता है, गर्मियों में इसकी टाइम टाइम फिर हो जाती है। ये देखो सोना को। ये देखो यहाँ पे सारे लोग फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं, और ये देखो ये रोड से नीचे पानी जा रहा है इसी में, और यहाँ से नीचे पानी चला गया। और ये देखिए देखो इतना खूबसूरत सा झरना है, इसके पास जाने पर थोड़ा सा हम भीग जा रहे हैं। ये सोना तो चले गई झरने पर, पानी के खींचे आ रहे हैं। देखो सोना इज लुकिंग सो प्रिटी, और मैं थोड़ी कल्लू सी आ रही हूँ। देखो कितना सही है। अभी हम लोग चलते हैं आगे को, क्योंकि हमने थोड़ा झरने पे देख लिया है और थोड़ा सा भीग भी गए हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे आगे को, तो चलते हैं। पहुँच गए 9060 कैफे। तो अगर आप देख रहे हैं, जी हाँ आप, नाम बोलना, बहुत मिस कर रहे हैं।
बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और ये देखो 9060 कैफे हम लोग का, ये तो अड्डा ही हुआ करता था मोमो खाने का। तो देख रहे हैं अगर आप वीडियो, देखो सोना कितनी गोरी लग रही है। मैं कितनी नहीं, ये इतनी गोरी है। और मैं वो क्या बोलते हैं, मैं वो हूँ, वो बोलता है मैं मड़वा जैसी हूँ। मड़वा नहीं यार। तो अभी हम लोग पहुँच गए 9060 कैफे, जहाँ आपने बार बार हम लोग को देखा होगा। तो अभी फिर से आ गए, तो थोड़ी देर बैठेंगे फिर हम चलेंगे। 9060 के पीछे जंगल के पास ऐसा बनाया गया है। ये हमारे साथ नहीं है, ये होटल वाले भैया है, समझना के साथ में आए। तो यहाँ पे बैठने के लिए देखो, आज यहाँ कोई नहीं बैठा है, तो हम दोनों बैठेंगे यहाँ पे। ये देखिए जंगल के पीछे चिकन बिरयानी। यहाँ पे थोड़ा सा जगह ऐसी लग रही होगी आप लोग को, बट क्योंकि पीछे बना रखा है जंगल के बीच में, तो इस टाइप का लग रहा है। वैसे यहाँ पे पार्टी वगैरह करने के लिए बैठते हैं लोग। अभी खाली था तो हम दोनों बैठ गए हैं। तो सोना के आने वाले हैं मोमो, मैं खाऊंगी चिकन बिरयानी, उसके बाद हम लोग थोड़ा घूम के घर चले जाएंगे। क्या हुआ? खा पी के हम लोग हो चुके हैं तैयार, मतलब खा पी के हम लोग थक चुके हैं। और अभी हम लोगों ने खूब सारी गप्पे मार लिए और थोड़ा आगे की हमने प्लानिंग की है कुछ। तो अभी खा पी के अभी हम थोड़ा चलते हैं घर की ओर, और रस्ते में हम आपको दिखाएंगे हंसी वादियां। वाह सोना तो बहुत सुंदर लग रही है यार। ये देखो गाइस, ये देखो शर्माती है फिर बार बार। तो अभी हम लोग वापस जाएंगे। और ये देखो, ये वही वहीं पे बैठे हैं हम चबूतरे पे। अब हम दोनों ही बच्चे हैं इधर पे पिथौरागढ़ में, उसके बाद शायद मैं भी चले जाऊंगी कुछ टाइम बाद पिथौरागढ़ से, क्योंकि अपना टाइम आ नहीं रहेगा ये। तो अभी हम लोग भी निकलते हैं घर को, और उसके बाद नए व्लॉग के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो चलते हैं घर को, बाय बाय। काफी मजे किए आज, काफी मजे किए, और मजा आया काफी। पिथौरागढ़ में इतना मजा आता है ना शाम के टाइम पे, यहाँ पे चंडाक वाली रोड पे स्कूटी घुमाने का, तो ठंडी ठंडी हवाएं, बाइक होती तो और मजा आ जाता, बट बाइक का बजट नहीं हो पा रहा है गाइस। बाइक से बजट डगमगा जा रहा है हमारा। नहीं तो मुझे बाइक थी लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा हो जाएगा, मैं स्कूटी से काम चला रही हूँ। वो मेरी स्कूटी भी नहीं, वो सीजन की स्कूटी है, मैं तो पैदल हूँ। देखिए इतना सुंदर। तो ये देखिए, ये है पिथौरागढ़ का इतना खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पे हमारा तिरंगा है, नीचे पूरी मार्केट है पिथौरागढ़ की, और यहाँ पे छोटी छोटी जो शॉप है, यहाँ पे मस्त टेस्टी टेस्टी मैगी बनती है जो कि अभी बंद है। और ये देखिए यहाँ पे छोटा सा जिम है, यहाँ पे शाम को आंटी और अंकल जी लोग आते हैं एक्सरसाइज करने। ये देखिए हमारे वहाँ की हसीन वादियाँ, वो देखो पेड़ देखिए। तो आप लोग भी आइए पिथौरागढ़ को, मिनी कश्मीर हमारे, और एंजॉय कीजिए।